50 लाख की पैदावार लेकर चमत्कार करके दिखाया है, जिसकी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। इस साल तो लगभग एक के लगभग एक कुंटल कुटल आई हुई है। अच्छा। एक प्रति पौधा 10,000 रुपए देंगे। अच्छा। 150 पौधे लगभग 15 लाख की होगी। आप ये रेत से भरी जमीनें देख रहे हैं ना, जो दूर दूर तक एकदम वीरान दिख रही हैं। इस रेतीली जमीन को लोग मरुभूमि कहते हैं। ये वही मरुभूमि है जहाँ सदियों से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। ये राजस्थान का बाड़मेर जिला है, जहाँ पर कोई किसान फसलों का बीज डालना भी मुनासिब नहीं समझता था। वहाँ कभी खेती भी होगी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन अगर मन में कुछ करने की चाहत और जज्बा हो तो नामुमकिन काम को भी मुमकिन किया जा सकता है। बस जरूरत है जुनून और जोश की। जिन रेत के धूरों में खजूर, बादाम, बेर, जामुन जैसे पेड़ों की बागवानी करने की कल्पना किसी सपने से कम नहीं थी, उसी इलाके में बेजान जमीन में जान डालकर खजूर की बागवानी से गुडा मालानी गांव के किसान राबता राम आज 15 लाख की कमाई कर रहे हैं। इस साल तो लगभग एक के लगभग एक कुंटल कुटल आई हुई है। अच्छा। एक प्रति पौधा 10,000 रुपए देंगे। किसान राबता राम ने करीब 5 साल पहले एक सरकारी पहल पर इस रेत से भरी जमीन पर रिस्क लेकर खजूर की बरही किस्म के 150 पौधे लगाए और सही विकास के लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक कड़ी मेहनत भी की, जिसका परिणाम ये रहा कि 4 साल बाद ही खजूर के पौधों में पहली फसल आ गई और हर पौधे में 50 किलो खजूर की उपज मिली, जिससे राबता राम को करीब 7,50,000 रुपए की आमदनी हुई। राबता राम ने खजूर के साथ साथ बादाम, चीकू, नींबू, जामुन, जायफल, अनार और बेर की भी खेती की, जिससे सालाना 50 से 60 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा हो रहा है। मैंने ये 5 साल पहले बोई हुई थी, बड़ी किस्म की खजूर बोई है और गई साल एक पौधे पे 50-50 किलो ठीक है ना हुई थी, प्रति पौधा पे 100 रुपए में बिकी। मरुभूमि में लोगों का जहां जीवन चलाना कठिन था, उसी जमीन से अगर 1 हेक्टेयर में 10 से 15 लाख की कमाई होने लगे तो इस तरह की बागवानी कौन नहीं करना चाहेगा। इस समय राबता राम के पेड़ पर लदे खजूर के फलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं रेतीली जमीनों से लखपति नहीं करोड़पति भी बना जा सकता है। लेकिन इसके लिए रेगिस्तान में रुचि के साथ खजूर की खेती की उन्नत तकनीक के साथ बढ़ने की जरूरत है, जैसा कि राबता राम ने किया है। मैंने 150 पौधे खजूर के लगाने के साथ साथ मैंने सीकू के पौधे 50 पौधे लगवाए, 50 पौधे बारहमासी नींबू के लगवाए, 50 पौधे बादाम के लगवाए, 50 पौधे अरे लगवाया जामुन के, ठीक है, 50 पौधे जामफल के लगवाए, उसकी बहुत बढ़िया हो रही है। खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसके फल को पूरी तरह से पकने और परिपक्व होने के दौरान लंबे समय तक शुष्क गर्मी की जरूरत होती है। लंबे समय तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी इसकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके फूल और फल के पकने के बीच की अवधि का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए और ऐसी जलवायु की हमारे देश में कमी नहीं है। खजूर की बागवानी के लिए अरब देशों के किस्म बरही और मैरज्यूल अपने देश के जलवायु में बढ़िया उपज दे रही है। इसके फलों का रंग अधपकी अवस्था में पीला नारंगीपन लिए होता है। इसके फल काफी बड़े होते हैं। इसके फल का वजन करीब 22.8 ग्राम होता है। वहीं बरही किस्म के फल का वजन करीब 13.6 ग्राम होता है। अधिक पैदावार देने वाले इस किस्म का फल मध्यम आकार का और स्वाद में मीठा होता है। 1 हेक्टेयर खजूर की बागवानी के लिए 8x8 मीटर की दूरी पर 150 पौधे लगाए जाते हैं। और 1 हेक्टेयर से जो काश्तकार बरही से लगभग 50 से 60 किलो एक पौधे से मिल जाता है, तो एक पौधे से 3 से 3.5-4 लाख रुपए एक पौधे से कमा लेते। खजूर के पौधों को ज्यादा खाद उर्वरक की जरूरत नहीं होती।
लेकिन उन्नत किस्मों से अच्छी उपज के लिए पौधरोपण के समय से ही खाद उर्वरक देना जरूरी होता है, लेकिन खड़ी फसल में दो बार उर्वरक देना जरूरी होता है। उर्वरक पौधों को ड्रिप के माध्यम से दें। इसके लिए 600 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश प्रतिवर्ष दें। इस मात्रा को मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर महीने में देना चाहिए। पानी की कम उपलब्धता और गर्मी को देखते हुए खजूर एक ऐसा पौधा है जो 70 साल तक फल देता है। खजूर की मौजूद नस्ल की खजूर महंगे बिकते हैं। इन्हें किंग ऑफ डेट्स कहते हैं। काले रंग के खजूरों को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक पौधे से 75 से 100 किलो उपज मिल जाती है, जो बाजार में 500 रुपए किलो तक बिक जाती है। वहीं बरही की उपज प्रति पौधा 100 से 150 किलो मिलती है, जो बाजार में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के भाव से बिकती है। मेडजुन जो किस्म है वो पूरे भारतवर्ष में बाड़मेर जैसे जिले में 22 से 32 ग्राम का एक फल लग के और अच्छी पैदावार हो रही है। और उसमें एक जो पौधा है जिसमें आप देखेंगे 40 से 50 किलो होती है, और उसकी जो बाजार का है वो 500 से 1000 रुपए किलो लोकल मार्केट में काश्तकार बेच रहा है, और उससे अच्छी आमदनी 5 से 6 लाख रुपए काश्तकार ले रहा है। तो एक बार लगाने के बाद दो पीढ़ी तक भी इसे आराम से फल होता है, और इतनी विषम परिस्थिति और इतनी होने के बावजूद भी एक प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कड़ी चुनौतियों के बाद भी थार के रेगिस्तान में किसानों की रुचि से उन्नत तकनीकी से खजूर की बागवानी का एरिया बढ़ने लगा है। बाड़मेर में अब 112 हेक्टेयर से अधिक खजूर की खेती हो रही है। बाड़मेर जिले में 2009-10 में खजूर की खेती प्रारंभ हुई थी, जिस समय 4 हेक्टेयर में था, जिसमें खासकर जो किस्में है बरई और मेडजुल, और आज 112 हेक्टेयर में बरई और मेडजुल और खुन्नेजी जो किस्में है उसका उत्पादन हो रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, जहां खेती करना आसान नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में खजूर लगाकर किसान न केवल इसकी मांग पूरी कर सकते हैं, बल्कि इससे मिलने वाली आमदनी से अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेती किसानी है ही ऐसी, अगर सही तरीके से की जाए तो लोग मालामाल हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई जंगली पौधा उगाने वाला भी आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि पारंपरिक फसलों की अपेक्षा उसे ज्यादा मुनाफा हो। आपको सुनकर भले ही हैरानी हो रही होगी, मगर इस सच्चाई के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। ये कोई ऐसी वैसी जंगली पौधा नहीं है, बल्कि ये गिलोय कहलाए जाते हैं, जिसे पिछले साल जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा तो लोग आयुर्वेद की शरण में पहुंच गए। इलाज के रूप में गिलोय का नाम खासा चर्चा में आया, और इसे एक बार आप लगा लीजिए और कई सालों तक लाखों का मुनाफा पाइए। इस भ्रम में मत पड़िए कि ये पान की शाखाएं या पत्तियां हैं, ये है गुणकारी गिलोय, जिसे आप अनगिनत मर्ज की दवा मान सकते हैं। गठिया हो या पेट की परेशानी, इसके रसपान से एक चुटकी में ठीक हो जाता है। वैद्यों के अनुसार गिलोय का असर इतना प्रभावी है कि ये तीसरे स्तर पर पहुँचे कैंसर रोग को भी नियंत्रित कर सकता है। गिलोय शरीर के खून में मौजूद कैंसर के कणों और सेल्स को नष्ट कर देता है और शरीर को निरोगी बना देता है। गिलोय हमारे शरीर में गिरते प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत मददगार है। जब भी किसी को बुखार या कमजोरी आती है तो उस समय गिलोय के रस का सेवन करने से शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है और शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। औषधीय पौधा है, जो कि ये बेल नुमा ऊपर चढ़ती है, पौधों पर चढ़ती है, पुराने पौधों पर चढ़ती है, और इसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। बहुत सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कफ हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, और ये कह सकते हैं कि जो पुरानी बीमारियां हैं हमारी, शुगर की या बीपी की, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधा है। डू नॉट फॉरगेट योर रूट्स, ये छोटा सा वाक्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। यानी हम भले ही कितने सफल हो जाएं, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
सदियों से हमारे पूर्वज जड़ी बूटियों से असाध्य रोगों का इलाज कर ठीक करते थे, जिसकी जानकारी हमारे वेद पुराणों में भी मिल जाता है। ये बातें गिलोय जैसे औषधीय फसल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमें अन्न अनाज की पैदावार और अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में इसकी महत्ता को कब का भुला दिया है। गांव हो या शहर, अधिकतर लोगों को तो ये भी पता नहीं गिलोय के पौधे कैसे होते हैं। भले ही आप गिलोय और गिलोय की खेती के बारे में कम ही जानते हों, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की खेती आपको लाखों और करोड़ों का मालिक बना सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल असाध्य रोगों की दवाई बनाने में काफी होता है। इसके कारण ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा बिकता है। गिलोय की खेती किसी भी तरह की जमीन में आसानी से की जा सकती है। बस मिट्टी के चुनाव के समय ये ध्यान रखें कि मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। यानी किसान गिलोय की खेती के लिए उन खेतों का चुनाव करें जिसमें बराबर नमी बनी रहे। गिलोय की खेती बीजों से नर्सरी पौध तैयार करके या फिर कटिंग के द्वारा की जाती है। बीजों का जमाव कम होने के चलते कटिंग द्वारा गिलोय की खेती करना बेहतर माना जाता है, जिसमें पहले ही पौधों के तने को गांठ समेत कई टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर खेतों में कटिंग को गांठ सहित ही लगा दिया जाता है। कटिंग लगाते समय एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 मीटर रखते हुए करनी चाहिए। मुख्य खेत में जो लगाने का तरीका है, सबसे पहले किसान भाई दो बार उसमें अच्छे से जुताई कर दें, और जुताई करने के उपरांत जो ये इसमें जो खाद की जो आवश्यकता है वो लगभग 80 केजी नाइट्रोजन और 50 केजी फास्फोरस और 40 केजी के आसपास इसमें पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जो जनरली जनरल फसलें होती हैं उससे कम की लागत इसमें होती है। गिलोय के पौधों के रोपण के करीब 4 से 5 महीने बाद से इनके पत्तियों को तोड़ा जाता है, जिसे सुखाकर दवा बनाने के काम में लिया जाता है। इसके साथ ही इनके तनों को भी काटकर रस और सूखे पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी मुनाफे की भी बात बताएंगे और आपको पैदावार की भी बात बताते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर इसकी हम पैदावार की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 क्विंटल हमको मिलता है। जो लागत की बात करते हैं तो ये हमारे 1 हेक्टेयर में 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्च होता है और हमको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक मुनाफा मिल जाता है। इस तरह अगर आप गिलोय जैसी दिव्य औषधीय फसल की खेती कर लेते हैं तो आने वाले समय में बढ़ती मांग को पूरा करके इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि दर्पण में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। बेल भारत के प्राचीन फलों में से एक है। बेल के लिए कहा गया है कि जो रोगों का नाश करे वो बेल कहलाता है। बेल के जड़, छाल, पत्ते, शाख और फल औषधि रूप में मानव जीवन के लिए उपयोगी है। प्राचीन काल से बेल को श्रीफल के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, भगवान शिव की आराधना में भी इसकी पत्तियों का खासा महत्व होता है। वही गर्मी में आपको लगभग सभी जगह बेल का शरबत देखने को मिल ही जाएगा। अब डिमांड इतनी है तो खेती भी खासी होगी, लेकिन इसके विपरीत बेल के संदर्भ में ये थोड़ा फीका सा मालूम पड़ता है। इसके बाग आपको कम ही देखने को मिलेंगे, अगर दिखेंगे भी तो इक्का दुक्का बेल के पेड़, वो भी कहीं कहीं। लेकिन अगर किसान ऐसी हाई डिमांड वाली बेल के बाग लगाएं, तो किसान इससे बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। बेल जो खाने में इसका गूदा काफ़ी सुवासयुक्त और पेट की कई बीमारियों पे काफ़ी लाभदायक होता है। बेल की पत्तियां भी कई औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहले बात बेल की उन्नत किस्मों की। बेल की बागवानी के लिए देश में अक्सर इसकी लोकल किस्मों को ही लगाया जाता है, जिसमें सिवान, देवरिया, बड़ा, कागजी इटावा, चकिया, मिर्जापुरी, कागसी और गोंडा जैसी किस्मों की रोपाई किसान करते हैं।
लेकिन बीते कुछ समय में कई कृषि विश्वविद्यालयों ने इसकी कई उन्नत किस्में विकसित की, जिसमें नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9, पंत सिवानी, पंत अपर्णा, पंत उर्वशी और पंत सुजाता नेल जैसी किस्में प्रमुख हैं। स्थानीय प्रजातियों में जैसा हम जानते हैं स्थानीय नाम से इनको जाना जाता है, जैसे मिर्जापुरी बेल, इटावा कागजी बेल, दरोगा बेल और जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं वो नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 7 काफी उपयोगी प्रजातियां हैं। पौधों की रोपाई के लिए पहले से ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे बढ़िया होते हैं। इसकी रोपाई के लिए जुलाई से अगस्त का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए जून के महीने में 1x1 मीटर के गड्ढे 8 से 10 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। इन गड्ढों को 20-30 दिनों तक खुला छोड़कर उसमें 10-15 किलो गोबर की खाद और क्लोरो पायरीफॉस प्रति गड्ढा मिलाकर भर दिया जाता है और जब पौधे लगाने हो तो गड्ढे को दोबारा से खोद कर लगाए जाते हैं। अगर सघन बागवानी करनी हो तो पौधे से पौधे की दूरी कम कर दें। 3 फुट x 3 फुट x 3 फुट का गड्ढा आपने खोद लिया है और इसकी मिट्टी जो है आपने एक तरफ आधी मिट्टी एक तरफ निकाल दी और आधी एक मिट्टी एक तरफ रख दी है और इसको खूब धूप में अच्छे से इसको सूखने दें। जब गड्ढा सूख जाए और वर्षा प्रारंभ हो उससे पहले हम गड्ढे की भराई कर देते हैं और भरने का भी क्रम यही रखते हैं कि नीचे की मिट्टी को पहले डालते हैं और बाहर जो बाहर की मिट्टी है उसको बाद में डालते हैं। इसी में सड़ी गोबर की खाद कम से कम 2 टोकरी आप डाल दें और दीमक का अगर कहीं प्रकोप है तो नीम की खली का आप प्रयोग करें। नीम की खली जो है वो दीमक को की रोकथाम में काफी सहायक साबित होती है और जैसे ही वर्षा ऋतु में 2 बारिश हो जाए और जमीन मृदा की जो गर्मी है वो निकल जाए तब हम इसका रोपण प्रारंभ करते हैं। प्रायः बेल का रोपण जो है 8x8 मीटर की दूरी पर किया जाता है और 1 हेक्टेयर में लगभग 157 से 158 पौधे रोपित किए जा सकते हैं। 1 साल पुराने पौधे को 10 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत पड़ती है, जो कि 8 साल तक इसी क्रम में हर साल बढ़ाते रहें। पौधे में उर्वरकों का प्रयोग मार्च अप्रैल में और गोबर की खाद का प्रयोग जुलाई माह में करें। खाद डालने से पहले पौधों के आसपास के घास को निराई गुड़ाई के जरिए निकाल दें। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पुष्पन फलन और नई पत्तियों के निकलने का क्रम लगातार चलता है तो इस लगातार क्रम को ध्यान में रखते हुए तुड़ाई के तुरंत बाद जो है बेलों में खाद देने की व्यवस्था है। लेकिन रोपण के समय आप विशेषताओं से ध्यान रखें कि प्रतिवर्ष के हिसाब से हम नत्रजन की जो मात्रा है 75-40-75 के हिसाब से फास्फोरस और पोटास इसको हम शुरू में देते हैं। बेल के नए लगाए गए बगीचों में गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें जबकि ठंडी के समय में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्मियों में बेल का पौधा अपनी पत्तियां गिराकर सुषुम्ना अवस्था में चला जाता है। सिंचाई की सुविधा होने पर मई जून के महीने में नई पत्तियां आने के बाद 20 से 30 दिनों के अंतराल पर 2 सिंचाई करें। बेल के पौधों में बेहतर विकास के लिए और इन पौधों में फल अच्छी क्वालिटी के लगे इसके लिए पौधों की समय समय पर कांट छांट भी जरूरी है। फल तुड़ाई के बाद बाहर निकल रही शाखाओं को कांच दें। इसके अलावा 4 से 5 साल बाद सधाई यानी ट्रेनिंग का काम भी करें। कांट छांट के दौरान सूखी और कीट रोगों से ग्रसित टहनियों को निकाल दें। शुरुआत में नए पौधों के बीच खाली जगह का प्रयोग अंततः फसल यानी इंटरक्रॉप फसल लगाकर कर सकते हैं, जिससे किसान जब तक बेल की फसल नहीं लगाते तब तक आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए दलहनी फसलों में ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द
और सब्जी वाले फसलों में बैंगन, टमाटर, पालक, धनिया, मिर्च, प्याज और लहसुन को उगाया जा सकता है। बेल के पौधों में लगे फल अप्रैल मई के महीनों में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। जब फलों का रंग गहरे हरे रंग में बदलकर पीला होने लगे तब फलों की तुड़ाई 2 सेंटीमीटर डंठल सहित करें। कलमी पौधे में जहां 3-4 साल में ही फल लगने लगते हैं, वहीं बीजू पौधे से 7 से 8 साल में फसल आने लगती है। उन्नत किस्म के पूर्ण विकसित पौधे से यहां 200 से 400 फल मिल जाते हैं, वहीं बीजू किस्म के पूर्ण विकसित पौधे से 100 से 200 फल मिल जाते हैं। इस तरह अगर आपने बेल की बागवानी उन्नत किस्म और तकनीक को अपनाते हुए कर ली तो क्वालिटी वाली बंपर पैदावार ले सकेंगे और आपको इन फलों से बेहतर कमाई भी होगी। कृषि दर्पण, जी मीडिया।